खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी मिल रहे हैं। कहीं कोई काम फंसेगा तो बड़े भाई बहनों की मदद से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर, इस दिन मन चंचल बहुत है, विचार बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप चिड़ियों को दाना पानी अवश्य दें। वृषभ राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, अचानक कोई ऐसा डिसीजन आप ले बैठ सकते हैं जिसकी वजह से आपको फिलहाल तो कष्ट हो लेकिन आगे जाके लाभ हो जाएगा। धन के मामले में ये दिन अच्छा है, बस एक छोटी सी सावधानी बरतनी होगी, इस दिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, आप मिश्री के चार दाने बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, कमजोर है बुरा नहीं, इसलिए हर परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा। आप लगातार कार्य करते रहें, कोई चिंता ना करें, बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन रसीले फल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कर्क राशि, सेहत की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, अचानक कोई अच्छा या बुरा समाचार भी सुनने को मिल सकता है, लेकिन आप एक सावधानी रखिएगा, इस दिन भावावेश में या तनाव में या बहुत जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस दिन यदि संभव हो सके तो उड़द की दाल का दान जरूर कर दें और ओम नमः शिवाय का जप करके फिर काम पर जुटें। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य पक्ष प्रबल है, जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, घर गृहस्थी में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, किसी को कोई परेशानी हो सकती है, उपाय कर लें। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी दोपहर में 1-2 बजे तक, उसके बाद समय अनुकूल होना शुरू होगा, रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, राम को मत बिसारिएगा और अपने काम पे जुटे रहिएगा। बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन का और मित्रों का विशेष ख्याल रखें, शत्रु मुखर हैं, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पे जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, स्त्रियां पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से बहुत मर्यादित व्यवहार करें, नहीं तो परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना होगा, एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन से कोई दुर्घटना ना हो, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करें और दूध का दान अवश्य दें। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे तो लाभ जरूर होगा, इस दिन रुके हुए कार्य को गति मिल सकती है और वाद विवाद में आपकी विजय हो सकती है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन घर गृहस्थी में या जिनसे आप प्रेम करते हैं वहां कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, लाल मसूर की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी मजदूर को। धनु राशि, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, इस दिन लिए गए निर्णय से या तो एकदम लाभ होगा एकदम नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें, एक छोटी सी सावधानी अवश्य बरत लीजिएगा, इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें और उनसे मतभेद करने से बचें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को अच्छा करने के लिए, हल्दी का तिलक मस्तक पर धारण करिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देने वाला है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और कीमती सामान का भी ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी सावधानी, इस दिन रिश्ते नातों से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, मन इधर उधर भागेगा, खास तौर से दोपहर में 2-3 बजे तक तो यही स्थिति रहेगी, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय 2-3 बजे तक ना लें तो अच्छा रहेगा, उसके बाद लिए गए निर्णय से लाभ होगा, किसी की मदद से काम आगे बढ़ेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन धन संबंधी कोई निर्णय मत लीजिएगा और यात्रा संबंधी निर्णय भी स्वयं मत लीजिएगा, अब सलाह मानिएगा। उपाय क्या करना है, थोड़ा सा गोली का तेल अपने शरीर पर लगा के फिर काम पर जुटें। मीन राशि,
यह दिन आपके भाग्य पक्ष को कमजोर कर रहा है, इसलिए कर्म पक्ष को बढ़ा दीजिएगा और निर्णय सही लीजिएगा। किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा, बाकी मेहनत करने से लाभ जरूर होगा। एक छोटी सी सावधानी जिन बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी पर भरोसा करके अपनी कीमती चीज ना दे या अपने गहरे राज न बता दें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को अच्छा करने के लिए? फल का दान करें, अपने काम पर जुटें।